निदेशालय महिला अधिकारिता महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान मिशन 2030 से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महत्वपूर्ण रूप से हितधारकों ने कई रचनात्मक सुझाव दिए। महिला और बाल विकास शासन सचिव जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने राज्य स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित महिला संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के महिला पुरुष प्रतिनिधियों, महिला उद्यमियों, UN संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। कहा कि जिस उत्साह से आप सबकी ओर से जो सहभागिता की जा रही है, निश्चित रूप से आपके महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर मिशन 2030 के तहत विकसित राजस्थान बनाने के लिए महिला और बाल विकास विभाग का एक बेहतरीन विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में हम कामयाब होंगे। मिशन 2030 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग तथा महिला अधिकारिता, इन दोनों से जुड़े हुए हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ में आज हमने मीटिंग रखा था, जिसमें हमने हमारे विभाग की जो गतिविधियां हैं ICDS की और महिला अधिकारिता की, उनके बारे में बताया इनको। और साथ ही साथ इनसे हमने कहा है कि आप अपने जो, क्योंकि ये सब लोग NGOs के लोग भाग हैं या महिलाओं के फील्ड में काम कर रही हैं, इनसे हमने कहा है कि आपका पर्टिकुलर अनुभव है फील्ड का, तो हमारी इन स्कीम्स को हम कैसे बेटर कर सकते हैं और देश को 2030 में हम राजस्थान को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में अपने विजन डॉक्यूमेंट के लिए अमूल्य सुझाव दे रहे हैं। इस को लेकर के काफ़ी सारे प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और उनके सारे सुझावों को हम प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट भी करेंगे, उनके रिटर्न में सुझाव भी हम ले रहे हैं और हमारी इस नीति के अंदर इनको हम शामिल भी करेंगे।